संकट में फंसे अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के तारे लगता है इन दिनों गर्दिश में हैं। तभी तो एक विवाद शांत नहीं होता कि दूसरा उससे पहले दिख जाता है। हाल ही में ट्रेन मैन से डील का विवाद चर्चा में था कि अब एक और बड़ा झटका ग्रुप को अमेरिका से मिला है। पीएम मोदी का दौरा खत्म होते ही अब अमेरिकी प्रशासन ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। दरअसल अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए रोड शो किया और इन्वेस्टर से बातचीत की, जिसके बाद अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC अब अडानी ग्रुप के बड़े शेयर होल्डर से पूछताछ कर रहा है। ये बात भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ उन्हें बताया गया है। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। गौतम अडानी से जुड़े विवाद साल के शुरुआत से ही देखने को मिल रहे हैं। इस साल जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शेयर की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सियासी तपिश भी देखने को मिली थी। दरअसल हिंडनबर्ग ने अपनी कंपनियों में कहा था कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के लिए ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल किया। साथ ही रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप के ऊपर ज़्यादा कर्ज के बारे में भी चिंता जताई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। करीब 60% तक शेयर गिर गए थे और निवेशकों की संपत्ति में $11 बिलियन का नुकसान हुआ था। हालांकि अमेरिका में जो जांच चल रही है उसके बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अडानी ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले संस्थागत निवेशकों से ब्रुकलिन और SEC के अटार्नी कार्यालय ने पूछा है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों को क्या बताया है। दो अन्य लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि SEC ने भी हाल के महीनों में इस तरह की जांच शुरू की है, जबकि अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया कि उसे निवेशकों को किसी समन के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। हालांकि जांच की खबर के बाद अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। लगातार तीसरे सत्र में शेयरों में गिरावट नजर आई। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में 6%, अडानी ट्रांसमिशन में 5% और ACC लिमिटेड में करीब 2% की कमजोरी दर्ज की गई, जबकि स्टॉक पिछले बंद स्तर के मुकाबले 7.02% गिरकर 2229 रुपए के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। जबकि शुक्रवार की सुबह 11 बजे अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 8.92% की गिरावट के साथ 2182 रुपए का कारोबार कर रहे थे। अडानी ग्रीन एनर्जी 1.50% गिरकर 959.50 रुपये पर रहा। अडानी पोर्ट्स 4.16% गिरकर 714.45 रुपये रहा। अडानी पावर 5.61% फिसल कर 242.40 रुपये रहा। अडानी टोटल गैस 3.21% गिरकर 634.05 रुपये रहा। अडानी ट्रांसमिशन 6.38% गिरकर 753.50 रुपीस रहा। अडानी विल्सर 3.42% गिरकर 404.05 रुपये रहा, जबकि अंबुजा सीमेंट 4.19% गिरकर 426.20 रुपये पर पहुंच गया। अब सोमवार को जब मार्केट खुलेगी तो शेयरों में और गिरावट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, भारत में सेबी अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये जांच शुरू की गई थी। अब सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है।
ये जांच हिंडनबर्ग ने जब अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और कर्ज से जुड़े 88 सवाल उठाते हुए अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसके बाद काफी सियासी बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। यहां एक बात जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल अमेरिका की जांच एजेंसियों की तरफ से मांगी गई सूचना का मतलब ये नहीं है कि गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ क्रिमिनल या सिविल कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हो। ये भी हो सकता है कि अमेरिकी जांच एजेंसियां गौतम अडानी ग्रुप के जवाब को परखना चाहती हो। अमेरिकी प्रशासन की अडानी ग्रुप कंपनियों में बढ़ती दिलचस्पी ये भी दिखाती है कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए अमेरिकी प्रशासन कितना गंभीर है, और वो गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों को भविष्य में दिक्कत ना हो, इस लिहाज से ये कदम उठा रहा है। अब आगे ये शेयर कितना गिरते हैं और कितना ज़्यादा फायदा या नुकसान होता है, ये देखने वाली बात हो। आपको क्या लगता है, अपनी राय को कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।